हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बीएड पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनके लिए है, जो बच्चे अभी बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी है। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने, क्या इसके लिए है। ये नोटिफिकेशन बच्चों ने मेरे पास भी भेजी है बार बार, और वो पहले भी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनका मैसेजेज आए हैं कि वो पूछना चाहते थे इसके रिगार्डिंग कि बीएड एडिशनल सब्जेक्ट कैसे दिए जा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो उस बारे में हम बात करेंगे, बीएड के एडिशनल सब्जेक्ट देने की क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि काफ़ी बच्चों के ग्रेजुएशन और बीएड जो उन्होंने की उनके साथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पाता, और उन सब्जेक्ट कम्बिनेशन के भी आप पर वो कहीं पर भी एलिजिबल नहीं होते जो वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। क्लियर। दूसरी ये बात है, यदि बच्चा बीएड कर लेता है उसको बाद में ये लगता है कि नहीं, मेरे को ये सब्जेक्ट पेडागोजी सब्जेक्ट और लेना था बीएड में, जिसकी वजह से मेरे लिए अदर वैकेंसीज अदर जॉब के लिए भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट है, जिस बच्चे ने बीएड कर ली है वो एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहता है पेडागोजी का, तो वो कैसे दे सकता है, उसका प्रोसेस है पूरा, उस इस वीडियो को ध्यान से सुने। ओके, इसमें क्या है, जिस बच्चे ने बीएड की है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से, सिर्फ चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी जींद के लिए है। जिस बच्चे ने सीआरएसयू यूनिवर्सिटी जींद से बीएड पास की है वही बच्चा सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से अपना एडिशनल सब्जेक्ट दे सकता है। किसी और यूनिवर्सिटी से जिसने बीएड की है वो यदि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहता है बीएड में, तो वो उसके लिए वो अलाउड नहीं होगा। क्लियर। जिस बच्चे ने सीआरएसयू यूनिवर्सिटी जींद से बीएड किया सर, वही एलिजिबल है सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से एडिशनल सब्जेक्ट का जो बीएड का पेपर देने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो टर्म एंड कंडीशन आपको बता दे देते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन केस ऑफ पेडागोजी सब्जेक्ट ही मस्ट हैव ऑलरेडी पास द ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन दैट सब्जेक्ट। कॉमन सेंस की बात है, जिस बच्चे ने बीएड कर लिया उसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए कोई ना कोई एक, तो ग्रेजुएशन भी यहाँ पर ही बीएड के एडमिशन होते हैं, तो ग्रेजुएशन और बीएड उसकी होगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जिस पेडागोजी सब्जेक्ट का वो पेपर देगा एडिशनल, उस पेडागोजी सब्जेक्ट की जो SIP लगती है, टीचिंग लगती है, वो भी आपको करनी पड़ेगी अलग से फिर से। थर्ड पॉइंट क्या है, सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ विद एनी बीएड कॉलेज। ऐसे विद्यार्थी को किसी भी बीएड कॉलेज में अपने आप को इनरोल करना होगा, एडमिशन आपको लेना होगा, रजिस्टर आपको करना पड़ेगा, उसकी सिर्फ फीस क्या है, 1000 रुपये फीस रहेगी। सच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ विद एनी बीएड कॉलेज विच इज़ एफिलेटेड ऑफ सीआरएसयू यूनिवर्सिटी। वो कॉलेज जिस कॉलेज से आप रजिस्टर हो गए, वो कॉलेज सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना चाहिए। बाई पेइंग ए फीस ऑफ 1000 टू कंसर्न कॉलेज एट लीस्ट 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव सेशन। कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि मेरे करंट सेशन में ही एडिशनल सब्जेक्ट देना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले उसको ऐसा बीएड कॉलेज देखना जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। क्लियर। दूसरी बात क्या करना है, उसको उस कॉलेज के अंदर अपने आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसकी फ़ीस क्या रहेगी, 1000 रुपये। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, जो फाइनल एग्जाम थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं उससे 1 महीना पहले, कम से कम 1 month पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी भी बीएड कॉलेज में जो सीआरएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बाय पेइंग 1000 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर बीएड फाइनल रोल नंबर इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, एडिशनल सब्जेक्ट था जो आपने बीएड किया है, उस बीएड के दौरान जो आपका रोल नंबर रहा है बीएड फाइनल ईयर का, वो आपको फिल करना है, वो आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगा, आपको बीएड की मार्कशीट से आप रोल नंबर देख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एप्लीकेंट विल रिमिट द अमाउंट ऑफ 1250 एज एग्जामिनेशन फीस इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सीआरएसयू जींद एट पर विद एक्स स्टूडेंट। उसके बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, 1250 रुपये आपको जमा होंगे, उसके बाद जो आपकी फ़ीस लगेगी एग्जामिनेशन फीस। क्लियर। वो 1000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, ये है आपकी 1250 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस। द कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड विद एनी बीएड कॉलेज एफिलेटेड विद सीआरएसयू जींद लेटेस्ट बाय 26 जुलाई 2022। ये आज इस सेशन के लिए है, वैसे 1 month पहले आपको किसी भी बीएड कॉलेज में सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से जो भी एफिलेटेड कॉलेज है उसमें आपको इनरोल होना है 1000 रुपीज़ के साथ। क्लियर। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी
जो बच्चे बीएड एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहते हैं उसके लिए। अब बीएड एडिशनल सब्जेक्ट का जो पेपर देना चाहते हैं उसके एग्जामिनेशन फॉर्म भी ओपन हो चुके हैं, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाता है, ध्यान से सुने। ये आपका शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ बीएड एडिशनल सब्जेक्ट रनिंग इन एफिलेटेड एजुकेशन कॉलेजेस सीआरएसयू जींद फॉर सेशन अगस्त 2022। इस करंट सेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना जिसने एडिशनल सब्जेक्ट का, उसके लिए लास्ट डेट रहेगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की 7/8/2022, 7 अगस्त विदाउट फाइन के साथ, 500 फाइन के साथ 10 अगस्त और 1000 रुपीज़ फाइन के साथ 13 अगस्त उसकी डेट रहेगी। द ऑनलाइन पोर्टल विल स्टार्ट फ्रॉम द 2nd अगस्त 2022। 2 अगस्त से पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय ओन यूनिवर्सिटी पोर्टल। जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म होगा आपका ऑनलाइन फिल किया जाएगा यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, इसका लिंक दिया हुआ है। यदि आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। क्लियर? तो ये था एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहते हैं उसकी टर्म एंड कंडीशन और उसका शेड्यूल। तो यही टर्म और कंडीशन है जो ये सेम रहेंगी हर सेशन के लिए, जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा जब तक यूनिवर्सिटी में चेंजेस नहीं लेकर आती। तो जब भी किसी बच्चे को एडिशनल सब्जेक्ट देने का मन करे और टर्म कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को फिर से आप ओपन करके सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी बीएड के लिए। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान से सुने और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी एक ग्रुप का लिंक बनाया हुआ है एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं तो किसी और भी कोर्स से, कोई भी कोर्स है तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पर वहाँ मैसेज को कमेंट करके भी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।